कार्यकाल जो उन्होंने खोटे खोद रखे हैं उनका न्याय क्या प्रधानमंत्री का कोई रिश्तेदार देगा क्या? क्या कौन देगा? माननीय प्रधानमंत्री क्यों लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं? रैली में अपने मन की बात कहते, बेटिया की बात सुनते, उस दिन तो उन्होंने बड़े ध्यान से इनके साथ फोटो खिंचवाने काम करे, वह मेरे देश के गौरव मेरी बेटियां, आज ये जब रोड पे बैठी है तो इन्हें बदबुआने का काम। मान लिया जाए कि देश के प्रधानमंत्री भी कैमरा जी भी है, ये आप मैं क्या, ये तो सोशल मीडिया बता देगी। और आज तक माननीय प्रधानमंत्री ने एक बार भी संज्ञान लेने का काम किया हो, अगर बेटी आप क्यों बैठे आप मेरे पास आइए, मैं आपको न्याय दिलाने का काम करूंगा। बिल्कुल, न्याय की आप जब बात करते हैं तो न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं कदम उठाए हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो क्या आप ये मानते हैं कि बीजेपी की ताकत इसमें काम कर रही है? फिर अगर जो बेटियों को और जो ब्रजभूषण शरण गिरफ्तार नहीं होते तो फिर हम इस धरने को जिला स्तर पर गांव स्तर पर चलाने का काम करेंगे और नेशनल हाईवेज को ब्लॉक करने का भी किसान यूनियन काम करेगी। संयुक्त मोर्चे की संज्ञान में आज ये आंदोलन, अब ये आंदोलन ही 3 बेटियों का 7 बेटियों का 9 बेटियों का नहीं रहा, अब ये आंदोलन आर पार की लड़ाई होगी, किसान का और सरकार का लड़ाई होने जा रही है। अब ये निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूलें। चरित्र की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं भारत देश याद आता है, क्योंकि भारत देश संस्कार और संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि संस्कार और संस्कृति की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं? क्योंकि लगातार देखा जाए तो 8 दिन यहाँ पर हो चुके हैं विनेश फोगाट और तमाम महिला खिलाड़ियों को जो है प्रोटेस्ट करते करते, लेकिन बीजेपी सरकार का कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर चुप्पी नहीं तोड़ रहा है। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता है? दर्शकों, अभी मैं जंतर मंतर मौजूद हूँ और हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कब तक जो है यहाँ पर विनेश फोगाट का समर्थन करेंगे और ब्रजभूषण शरण सिंह को कैसे गिरफ्तार करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? सर, 37 नंबरदार संयुक्त किसान मोर्चे से। क्या लगता है आपको कि लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ भी सिद्धू जी आए, तमाम लोग आ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी का कोई बड़ा नेता इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, क्या लगता है ये? हमने तो 13 महीने इस सरकार से आंदोलन लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। इन्होंने जो पूरे के पूरे किसान समाज को आंदोलनजीवी क्या कुछ नहीं कहा, आतंकवादी खालिस्तानी क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन हम डटे रहे और जीत के निकले। आज मैं बेटियों से भी यही अपील करूँगा, अगर जो डटा रहेगा वो जीत का उठेगा और पूरा किसान समाज इनके साथ खड़ा है, क्योंकि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, ये किसान की बेटियां हैं और इसीलिए इनके साथ ये अत्याचार होने का काम हो रहा है, क्योंकि ये सरकार किस तरह एक जो जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केस दर्ज करने का काम हुआ, आज तक उसको गिरफ्तार होने का काम नहीं, ये सारे का सारा। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं, क्या सबूत है, सबूत दिखाइए। जो सुप्रीम कोर्ट में जिसको फांसी की सजा दी जाती है वो कहता है मैंने ये किया है, लेकिन फिर भी उसको सजा दी जाती है, क्या कोई अपराधी है बोलेगा कि मैंने ये किया है? तो यह तो पुलिस ने अरेस्ट करके उसकी जाँच कर। ब्रजभूषण शरण सिंह को डर क्यों नहीं है सर? उसके साथ केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, उसमें जो उसके सहयोगी हैं जिन्होंने मिलकर ये सारा ताना बाना मुल्क बनकर जो यौन शोषण के काम करे हैं उनको सबको, इसमें बड़े बड़े जो लोग हैं वे भी इस जाल में फंसने का काम होगा, इसलिए उसको बचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आज पूरे का पूरा किसान समाज गांव देहात इन बेटियों के साथ खड़े और पूरे तन मन धन से एक बार ये आवाज़ दो, पूरे का पूरा देहात, पूरा हरियाणा पंजाब राजस्थान के ट्रैक्टरों में जेवड़ी बंधने लग रही है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बेटी बच भी रही है, बेटी पढ़ भी रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हर जगह दे रहे हैं, अभी कर्नाटक में दिया है, तो आपको लगता नहीं है कि बेटी सुरक्षित है? ये बेटियां नहीं है क्या? जो उसका एक खुद उसका एक सांसद इस तरह के काम करता, जो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और जो FIR दर्ज करवानी पड़ी, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे, इससे बड़ा देश की बेटियों का दुर्भाग्य क्या होगा? जो एक माननीय प्रधानमंत्री एक तरह बोलता बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, वे सिर्फ वोट लेने का प्रोपगंडा है, ना ये सरकार जितना शोषण ना कभी हुआ ना कभी होगा। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है ये सफल होगा, क्योंकि लगातार 8 दिन यहाँ पर हो चुके हैं, आपको बारिश हो रही है, जो है तमाम सुविधाएं नहीं दी जा रही है, बिजली काट दी गई, पानी नहीं दिया गया, तो आपको लगता है कि यहाँ पर आप टिके रहेंगे?
आंदोलन सालों लड़े जाते हैं, महीनों लड़े जाते हैं। आंदोलन कोई एक दिन की चीज़ नहीं होती। हमने 13 महीने का आंदोलन लड़कर केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को हराने का काम किया था। हम कभी नहीं घबराते थे। हमने 1 साल बैठना पड़ो, 6 महीने बैठना पड़ो। हम खुद खेत में काट कर खुद पका कर खाने वाले लोग हैं, ना कि हमने किसी होटल का खाना चाहिए। और इस सरकार को और इन बेटियों का न्याय दिलाकर उस दिन उठेंगे जब इन बेटियों को न्याय मिल जाएगा। क्योंकि इस सरकार को मैं बता देना चाहता हूँ, जब जंगल में आग लगती है, जब जंगल में आग लगती है, सूखे पेड़ों के साथ हरे पेड़ जलने का भी काम होता है। सरकार की नींव आग लगा देगा किसान अगर जो इन बेटियों को न्याय नहीं मिला। बीजेपी एक आरोप लगा रही, बीजेपी कह रही है कि जो आंदोलन किया जा रहा है ये आंदोलन अब राजनीति में तब्दील हो चुका है, राजनीतिकरण कर दिया गया है। किसान आंदोलन में बोल रहे थे, आंदोलन जीवी है, खालिस्तानी है, फिर वे किसान कैसे हो गए? जिस दिन माफ़ी मांगने का काम किया, जिस दिन बेटियों से माफ़ी मांगेगा उस दिन कह देगा अगर नहीं नहीं कोई राजनीति नहीं, इन बेटियों के साथ अन्याय था, हमने न्याय देने का काम कर, उस दिन कैसे हो जाता है? उसमें भी वो खालिस्तानी बलात्कारी क्या क्या आरोप नहीं लगे थे किसान पर। बीजेपी कह रही कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, चुनाव नज़दीक है, तो इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट तो बंद होना चाहिए क्योंकि उनका तो कार्यकाल वैसे भी खत्म हो रहा है। कार्यकाल जो उन्होंने खोटे खोद रखे हैं उनका न्याय क्या प्रधानमंत्री का कोई रिश्तेदार देगा क्या? क्या कौन देगा? माननीय प्रधानमंत्री क्यों लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं? रैली में अपनी मन की बात कहते, बेटियों की बात सुनते, उस दिन तो उन्होंने बड़े ध्यान से इनके साथ फोटो खिंचवाने काम करे, वह मेरे देश के गौरव मेरी बेटियां, आज ये जब रोड पर बैठी है तो इन बदबुआने का काम। मान लिया जाए कि देश के प्रधानमंत्री भी कैमरा जी भी है, ये आप मैं क्या, ये तो सोशल मीडिया बता देगी। और आज तक माननीय प्रधानमंत्री ने एक बार भी संज्ञान लेने का काम किया हो, अगर बेटी आप क्यों बैठी, आप मेरे पास आइए, मैं आपको न्याय दिलाने का काम करूंगा। बिल्कुल, न्याय की आप जब बात करते हैं तो न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं कदम उठाए हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो क्या आप ये मानते हैं कि बीजेपी की ताकत इसमें काम कर रही है? फिर अगर जो बेटियों को और जो ब्रजभूषण शरण गिरफ्तार नहीं होते तो फिर हम इस धरने को जिला स्तर पर, गांव स्तर पर चलाने का काम करेंगे और नेशनल हाईवेज को ब्लॉक करने का भी किसान यूनियन काम करेगी संयुक्त मोर्चे की संज्ञान में। आज ये आंदोलन, अब ये आंदोलन ही 3 बेटियों का 7 बेटियों का 9 बेटियों का नहीं रहा, अब ये आंदोलन आर पार की लड़ाई होगी, किसान का और सरकार का लड़ाई होने जा रही है अब ये, और इसमें देख लेंगे इन बेटियों का न्याय क्यों नहीं मिलता, किसान न्याय लेना जानता है। राकेश टिकैत का क्या है, राकेश टिकैत जो है बेटियों के समर्थन में कब आ रहे हैं? राकेश टिकैत होके जा चुके हैं समर्थन, टिकैत हमेशा खड़े रहेंगे क्या कुछ का? बिल्कुल, पूरे दोबारा भी आ रहे हैं और 2 बार होकर जा चुके हैं, उनके भाई आ लिए, क्योंकि पूरा किसान समाज आने लग रहा है तो राकेश टिकैत जी कहाँ जाए, और वे तो हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े रहने का काम हुआ। क्या कह रहे सर आप? कल राकेश टिकैत जी आने वाले हैं और मैं राकेश टिकैत जी वाले संगठन से हूँ, लगातार इस धरने से जुड़ा हुआ हूँ और पूरा किसान समुदाय और संयुक्त किसान मोर्चा इन बेटियों के साथ है, तमाम विपक्ष के नेता यहाँ। नाम क्या है आपका? सुरेंद्र चौधरी। सुरेंद्र चौधरी जी, सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आज लगातार भारत देश में आंदोलन किए जा रहे हैं लेकिन केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर सवाल खड़े नहीं करती है, यानी कि सवालों का जवाब नहीं देती है, सवाल से डरती है, सवालों से भागती है, क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी को सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है? देखिए सर, मैं पूरा दोष तो इसमें बीजेपी का नहीं देना चाहूँगा। देखिए ये समाज है ना, समाज में जिस व्यक्ति पर दोष होता है, जिस वर्ग पर दोष होता है, आज समाज में पहले भाईचारे की भावना होती थी, मानवता की बात होती थी, तो अब जो बात हो गई होने लगी है वो पद और पैसे की होने लग गई है, स्वार्थवादिता की भावना हो गई है। तो अगर नेता को लगेगा भाई ये समाज मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है तो वो नेता कभी भी नहीं करेगा। सवाल ही उठ रहा है चौधरी जी की, जो महिला खिलाड़ी हैं ये एक ही परिवार से हैं, इनका परिवार एक ही है, तमाम महिला खिलाड़ी इनके समर्थन में नहीं आ रहे हैं, जो मनोहर लाल खट्टर जो कि मुख्यमंत्री हैं वो लगातार समर्थन में नहीं आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को उखाड़ फेंक कर अपना किसी अपने हरियाणा का किसी को अध्यक्ष बना देना, ऐसा नहीं लगता है आपको? देखिए जो ब्रजभूषण सिंह है उनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, ये मैं भी नहीं कहता, आप भी नहीं कहता, ये पूरी दुनिया जानती है निश्चित रूप से। और जो ऐसे आपराधिक तत्व के व्यक्ति होते हैं वो अपना खुद का वोट बैंक स्थापित कर लेते हैं, कहीं ना कहीं ये दिक्कत होती है कि वो पार्टी को खुद का वोट बैंक स्थापित करके पार्टी को झुकाने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति अजय मिश्र टेनी के साथ हुई थी, उनका भी एक खुद का वोट बैंक था। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे आपराधिक जो व्यक्तित्व के धनी होते हैं उनका लोग सपोर्ट कर देते हैं
और उनको ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। इन लोगों का जब सामाजिक बहिष्कार शुरू हो जाएगा तो जो नेता है उस दिशा में जाने बंद हो जाएंगे। तो ये भी एक समाज की बड़ा विडंबना है, कहीं ना कहीं इस समाज को खड़ा होने की। अंतिम सवाल मैं आपसे लूंगा कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार होंगे, क्या इस्तीफा देंगे, और अगर नहीं देते हैं तो क्या आप यहाँ पर कदम उठाएंगे? देखिए, जब भगत सिंह जी और तमाम क्रांतिकारी आंदोलन करते थे तब तमाम विषम परिस्थितियाँ, देश में आज़ादी नहीं थी, बोलने पर आज़ादी नहीं थी, तमाम विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए जिस प्रकार से वो आंदोलन की गति देते हुए, उससे विषम परिस्थितियाँ तो आज है भी नहीं। हम भी उसी रास्ते पर चलते हुए अपने आंदोलन को गांव ढाणी तक पहुंचाकर जीत की ओर अग्रसर करेंगे। देखिए, लगातार हम लोग देखें यहां पर तो तमाम लोग जो है अलग अलग राज्यों से यहां पर आ रहे हैं और यहां पर ये कह रहे हैं, चाहे वो किसान मोर्चा हो या फिर तमाम, यहां पर ये कहा जा रहा है कि हम कहीं ना कहीं जो है यहां पर महिला खिलाड़ियों का समर्थन करते रहेंगे और ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करवा कर रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है सर, आपका क्या क्या नाम, क्या नाम है आपका? सूर्य प्रताप। सूर्य प्रताप जी, क्या आपको लगता है कि अब भारत देश जो है प्रोटेस्ट जीवी देश बन चुका है, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है लेकिन बीजेपी सरकार इस पर कुछ चुप्पी नहीं तोड़ रही है? देखिए, प्रोटेस्ट देश नहीं बन रहा है, ये हमको, हम लोगों को स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता था पहले कि भारत कृषि प्रधान देश है। ये भारत कृषि प्रधान देश नहीं है, ये जाति प्रधान देश है। ये सब कुछ जाति दे करके तय किया जाता है। आप जन्म ले लेंगे उसके बाद समझे कि आपके पीछे जाति लग जाएगी, जाति का स्टैंप लग जाएगा। ये देश में जो गोल्ड जाति का इशारा आप किस तौर कर रहे हैं? मैं इस तरह कर रहा हूँ सरकार की तरफ कि जो मेडल जीत करके आते हैं तो उस समय बड़े बड़े सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं, उस समय ये भारतीय हो जाते हैं। और यदि इन न्याय और अधिकार की जब बात करते हैं तो ये जाट हो जाते हैं। तो ये समझना सरकार को है ना कि आखिर देश के अंदर जो चल क्या रहा है। बताइए, न्याय मांगने के लिए यहाँ पे सड़कों पे लोगों को बैठना पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी को बार बार जनता क्यों चुनती है, बीजेपी को पसंद क्यों करती है? आप हर एक राज्य में देख लीजिए, यही तो मीडिया की मेन विडंबना है। मीडिया के लोग बात समझते नहीं है, इसीलिए अपने संविधान। कौन चुनती है मीडिया को? खास राइट, स्पेशल राइट नहीं चुनती कौन? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। आप एक सवाल कर दिया, मैं पकड़ लिया जड़ को। इसीलिए कानून के अंदर मीडिया को स्पेशल राइट नहीं दिया गया कि आज देख रहे हैं मीडिया की हालात क्या है, कोई भरोसा कर रहा है? बताइए, देश के अंदर मीडिया सरकार के समर्थन कर रही है और प्लस में अभी चुनाव नहीं हो रहा है तभी से वो पोर्ट्रेट दिखाना शुरू कर देती है कि अब की पार 350 पे मोदी, मोदी सिर्फ मोदी। हाँ, 350 से पार, उसको कैसे पता चल जाता है कितनी सीटें आएगी? देखिए, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह थे, उस समय कहे थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जिस समय मीडिया मेरे खिलाफ बोलेगी, लिखेगी और प्रोटेस्ट करेगी तो समझना कि मैं आपके साथ हूँ, और जिस दिन प्रशंसा करे तो समझो कि मैं बिक चुका हूँ। वही वाला हाल है। आप कोई नेताओं को देखें, कोई बच्चे कोई मेडल लाते हैं, कोई सरहद की रक्षा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये चोर हैं, खुद ये खुद आतंकवादी हैं। अब बताइए कि देश के अंदर धर्म के नाम पर धंधा और पढ़ा लिखा अंधा, यहाँ पे लोगों को इतना बहकाया गया है, इतना जातियों में बांटा गया है, इतना लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, बताओ कितनी विडंबना है। देश के अंदर शिक्षा की हालात देख रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाता है तो कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, यहाँ पे जय श्री राम, जय श्री राम। अभी यूपी का मामला देखिए, देश का बड़ा स्टेट है ना, यूपी में देख लीजिए क्या हाला हुआ है। जय श्री राम से भाई साहब, आपको जय श्री राम से कह रहे, क्या क्या दिक्कत है आपको जय श्री राम से? कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री बाहर जाता है तो जय श्री राम बोलता है, तो जय श्री राम से क्या दिक्कत है? मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, जय श्री राम से क्या दिक्कत नहीं है? तो मैं सरकार की बात कर रहा हूँ ना, उसी का बात मैं कर रहा हूँ ना, नहीं तो आपको दिक्कत क्यों हो रहा है? सुनो, यहाँ पहले बात सुनो, यहाँ पढ़ाई किया यार, बात समझते ना, बीच में टपक गए आप, नहीं आप बात समझते नहीं हो, बीच में टपक गए, ये जय श्री राम कहाँ से आ गए? मर्यादित रहिए, मर्यादित रहिए, मर्यादित रहिए, आप लोग सवाल सबसे किए जाएंगे, मर्यादित रहिए, वही बात है, मर्यादित रहिए। सवाल मेरा ये है, सवाल दूसरा है, ये भगवान श्री राम के नाम बिल्कुल सम्मान की बात कीजिए, बेटियों पर आइए आप। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो लगातार जो है इस बयान को दे रहे हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार प्रधानमंत्री को कहो कि आप ये बात क्यों कहते हो, सीधी सी बात है।
आप क्यों कह रहे हो जय श्री राम? तो मीडिया से कहवाओ, जब आप नहीं कहोगे तो मीडिया से कहवाओ। यहाँ सुनो, आपको डाइवर्ट किया जाएगा। हाँ वही तो बात है ना, मीडिया फैली हुई। आप अपने इन्हीं भाई साहब से लो भाई, नहीं इन्हीं से पूछो। सवाल जो है उस मुद्दे पर आइए। सवाल ये है सवाल ये है, ब्रजभूषण शरण सिंह जो लगातार बयान दे रहे हैं, उस बयान को मैं ये साफ तौर पर ये कह रहा हूँ कि कोई गलती नहीं है, तो गिरफ्तारी कैसे होगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। और कैसे देश के प्रधानमंत्री बेटियों की सुरक्षा के लिए आगे आएंगे? सवाल ये है। एक बात बताइए कि उसने गलत किया है, जब ही तो लोग सड़कों पर आए हैं। वो गलत नहीं किया होता तो लोग सड़कों पर तो आते नहीं। किसानों के खिलाफ में कानून बना, किसान सड़क पे आए, इनके पहलवानों के साथ में शोषण हुआ है, पहलवान सड़क पे आए हैं, ऐसे लोगों को क्या है कि लोग सड़क पे आ जाएंगे, तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है बताओ? एक तो मंत्री है और फेडरेशन का अध्यक्ष है, वो दो दो भाई क्यों बैठा लेकर के बैठ रखा है बताओ? यदि इसके जगह पे कोई दूसरा होता तो बेगर पूछो उसके भी FIR के लिए। सुप्रीम कोर्ट सिंह कह रहे कि पहले क्यों नहीं आया याद, अब क्यों याद आ रहा है? तो अब यही तो सोचने वाली बात है ना कि पहले क्यों, तो वही कह रहे हैं कि हरियाणा के आए हैं और बाकी स्टेट के क्यों नहीं आए, ये भी तो बस सवाल आ रहा है। वो कह रहे हैं कि सतपाल मलिक को जाने की क्या जरूरत था, केजरीवाल को जाने की क्या जरूरत था, ब्रजभूषण सिंह का भी तो बयान है। ये आरोप लगाया गया कि जो आंदोलन है वो जो यहाँ राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। आंदोलन राजनीति का अखाड़ा नहीं, ये देश को ही राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है सरकार के द्वारा। बताओ सरकार इतनी दूध की धूली हुई नहीं है? आप बताओ कि देश के अंदर कौन से गलत दिख रहे हैं? किसान या जनता जो प्रोटेस्ट कर रही है कौन से गलत दिख रहे हैं? सरकार इतनी ईमानदार है तो क्या ये मान लीजिए कि बीजेपी की तानाशाही है? तो तानाशाही तो है ही, ये तो जनता के सामने दिख रहा है, ये पूछने वाली बात थोड़े है, ये जनता से पूछ लो, आम जनता से पूछ लो। तो क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा क्या? अब तो है आंदोलन चल रहा है, उम्मीद है, कुछ कह तो नहीं सकते हैं, उम्मीद है। तो देखिए यहाँ पर उम्मीद की बात की गई है कि उम्मीद है न्याय मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आने वाले समय में क्या देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर चुप्पी तोड़ेंगे? क्या महिलाओं को न्याय दिलाएंगे?